पुराने नोट के बदले मिलने लगे 2000 के नए नोट। बैंकों और पोस्ट ऑफिस में नोट बदलने के लिए लोगों की कतार। आज शाम से खुल जाएंगे आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम। नए रंग और डिजाइन में जारी होंगे सभी नोट। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांता दास का बयान, 500 और 2000 के बाद 1000 का नोट भी होगा जारी। The 1000 rupee notes will also be brought into the market with a completely new design and new dimension, new design, new color combination. सारस मिस्त्री के लेटर पर टाटा सन्स का जवाब। ग्रुप की बड़ी कंपनियों पर नियंत्रण चाहते थे सारस मिस्त्री, इंडियन होटल्स पर भी चाहते थे कंट्रोल। टीसीएस के चेयरमैन पद से सारस मिस्त्री की छुट्टी। इशात हुसैन अंतरिम चेयरमैन नियुक्त। टाटा स्टील के चेयरमैन पद से भी हटाए जा सकते हैं मिस्त्री। जी बिजनेस की खबर का बड़ा असर। वित्त मंत्रालय बंद करेगा पेनी स्टॉक्स के दुरुपयोग का रास्ता। सूत्रों के हवाले से खबर। मामले पर वित्त मंत्रालय ने कल की बैठक। आईपीओ बंद होने के 4 दिन के अंदर अब होगी लिस्टिंग। सेबी चेयरमैन यूके सिन्हा का बड़ा ऐलान। कमोडिटी फ्यूचर्स में एफआईआई निवेश को मंजूरी पर विचार जारी। पहली बार किसी भारतीय टीवी पर ट्रंप के बेहद करीबी शलभ कुमार का इंटरव्यू। जी मीडिया से बातचीत में कहा, ट्रंप की जीत से भारत अमेरिका के रिश्ते होंगे और मजबूत। भारतीय आईटी कंपनियों को डरने की जरूरत नहीं। शानदार तेजी के बाद बाजार दिन के निचले स्तरों पर बंद। सेंसेक्स 265 और निफ्टी 94 अंक बढ़त के साथ बंद। पीएसयू बैंक्स और मेटल शेयर सबसे ज्यादा चढ़े। सतलुज यमुना लिंक नहर जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ का फैसला। कहा, पंजाब को एकतरफा कानून बनाने का हक नहीं। पंजाब ने साल 2004 में रद्द किया था एसवाईएल। और जापान दौरे से पहले थाईलैंड में पीएम मोदी का शानदार स्वागत। जापान के पीएम शिंजो अबे के साथ होगी शिखर वार्ता। असैन्य परमाणु करार पर भी दस्तखत की उम्मीद।